उसके बाद है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन को शुरू किया गया। चाहे रोल्ट एक्ट हो, चाहे बलियावाला बाग हत्याकांड हो, चाहे खिलाफत आंदोलन हो, इनके उत्तर में गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन में महिलाओं के शराब की दुकानों पे धरने दिए गए, विदेशी वस्त्रों को जलाया गया, नौकरियों को छोड़ा गया। नौकरी कौन सी थी इसमें? सरकारी थी, सरकारी स्कूलों को विद्यार्थियों के द्वारा छोड़ दिया गया। यहां पर सारे के सारे सरकार से असहयोग के काम थे, लेकिन इसी समय एक खास बात और थी, और वो खास बात ये थी कि जो यहाँ पर मना किया जा रहा था, यहाँ पर जो भारतीय ये कदम उठा रहे थे, जब भारतीय सरकारी नौकरियां छोड़ रहे थे, बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ रहे थे, तो उसी समय भारतीय जो देशभक्त थे, जो पूंजीपति लोग थे, उन लोगों ने ये मैनेजमेंट भी कर रखा था कि अगर सरकारी नौकरियां छोड़ेंगे तो उन्हें प्राइवेट नौकरियां हम देंगे, अगर बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ेंगे तो उनके लिए प्राइवेट स्कूल हम खोलेंगे, ताकि आंदोलन लंबा चले तो बच्चों पे, स्कूलों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर और लोगों के घर के ऊपर, नौकरी से गुजारा जो होता था उस पर कोई समस्या ना आए। तो ये सारे काम किए गए। यहाँ पर स्वदेशी बहिष्कार का भी मूवमेंट दोबारा चला, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। यहीं पर गांधी जी ने खादी की शुरुआत की, और यहीं पर गांधी जी ने चरखे की कताई, चरखा कातना शुरू किया, सूत के कपड़े पहनना। यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट एक साथ इस एक आंदोलन के अंदर मिलते हुए नजर आपको आए। तो यहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जो असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, इनमें मोहम्मद अली जिन्ना, एने बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, ये लोग वो थे जो यहाँ पर इस मूवमेंट से सहमत नहीं थे। ध्यान रखना कौन कौन लोग सहमत नहीं थे। जिन्ना नहीं था, एने बेसेंट भी सहमत नहीं थे, और विपिन चंद्र पाल भी सहमत नहीं थे, और इन्होंने इस समय कांग्रेस छोड़ दी थी। अच्छा, अब हुआ क्या? जो सबसे बड़ी घटना थी, मूवमेंट सही चल रहा था, जो सबसे बड़ी घटना थी वो आप लोगों के लिए यहाँ चोरा चोरी की घटना थी। चोरा चोरी, चोरा चोरी की घटना, ये इस आंदोलन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था। डेट है 5 फरवरी 1922। चोरा चोरी एक पुलिस चौकी थी यूपी के गोरखपुर जिले के अंदर, आज वर्तमान में भी गोरखपुर जिले के अंदर है ये। यहाँ पर कुछ पुलिस, 22 पुलिस वालों की संख्या टोटली बताई जाती है, 21 सिपाही थे और एक इनका दरोगा या थानेदार माना जाता है। ये लोग पुलिस चौकी में सोए हुए थे, रात को पुलिस चौकी को आग लगा दी गई, जिसमें 22 के 22 लोग जलकर मर गए। गांधी जी को सूचना दी गई कि आप लोगों के भीड़ के क्रांतिकारियों ने इन्हें जलाया है, हालांकि सच्चाई कुछ और ही मानी गई है, लेकिन फिर भी गांधी जी इमोशनल हो गए और उन्होंने इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को रद्द करने की घोषणा कर दी। ये एक बहुत बड़ी स्टेप था गांधी जी का, क्योंकि उन्होंने इमोशनल होकर जल्दबाजी में फैसला किया गया, हालांकि बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि इस चोरा चोरी के घर पुलिस स्टेशन को जलाने में भी अंग्रेजों की एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि आमतौर पर जब उन्हें लगा अंग्रेजों को कि असहयोग आंदोलन किसी भी कीमत के ऊपर असफल नहीं हो सकता, तो फिर अंग्रेजों ने ये एक बड़ी चाल चली जिसमें गांधी जी भी फंस गए और आंदोलन को रद्द यहाँ करवा दिया गया। इस आंदोलन के रद्द होने से कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने फिर पार्टी को छोड़ दिया, एक इसमें मोतीलाल नेहरू थे और एक इसमें सीआर दास थे, जो इस बात से नाराज थे। इन्होंने कहा कि गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो कांग्रेस से पूछ के किया था, और बंद उन्होंने अकेले कैसे कर दिया, अगर वो सबसे सलाह लेते तो शायद बात का हल निकल जाता और आंदोलन को बंद करने की नौबत नहीं आती। ये कहा जाता है कि आंदोलन कुछ समय और चल जाता तो शायद भारत को आजादी यहाँ मिल जाती, और यहाँ अगर भारत को आजादी मिलती तो ध्यान रहे बात ये नहीं है कि देश को आजादी 20 22 25 साल पहले मिल जाती, बल्कि मेन बात यह है कि यहाँ भारत को आजादी मिलती तो भारत को आजादी मिलती, यानी पूरा देश इकट्ठा आजाद होता, देश के यहाँ टुकड़े नहीं होते, जो देश के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद।